स्टूडेंट हम देखते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। अ सीक्वेंस एक्स इन नॉर्म स्पेस X is said to be convergent and converges to X belong to X if for each epsilon greater zero there exists a natural number n naught such that norm of xn minus x less than epsilon for all n greater equal to n naught। क्या है कि हमारे पास कोई एक्स एन सीक्वेंस है नॉर्म स्पेस में से, वो कब कन्वर्ज करेगी एक्स को, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। कि एक एन नॉट कोई पोजिशन है, उसके बाद वाली टर्मों का डिफरेंस एक्स के साथ लेस देन एप्सिलॉन हो तब हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है और उस पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रही है। उसके बाद काची सीक्वेंस, अ सीक्वेंस एक्स एन इन नॉर्म स्पेस एक्स इज सेट टू बी कॉची सीक्वेंस। If for every epsilon greater zero there exist a natural number n naught such that norm of x m minus x n less than epsilon for all m n to n naught। जी हाँ, सीक्वेंस x n कब हम उसको काशी कहेंगे, जब हम हर एप्सिलॉन के लिए एवरी एप्सिलॉन के लिए कोई हमें नेचुरल नंबर मिल जाए n naught, जिसके बाद वाली टर्मों का डिफरेंस आपस में लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। एन नॉट क्या है, एन नॉट वो पोजीशन है सीक्वेंस की टर्मों की पोजीशन है, उस पोजीशन के बाद वाली जितनी भी टर्में हैं उन टर्मों का आपस में अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो उस एप्सिलॉन से लेसर हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए ऐसी सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम क्या है,
every convergent sequence in norm space is a Cauchy sequence. Every convergent sequence in norm space is a Cauchy sequence. अगर norm space में से हम कोई convergent sequence लें तो वो Cauchy होगी. अब हम इसको प्रूव करते हैं. Let xn be a convergent sequence. हमें गिवन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस और हमने इसको Cauchy प्रूव करना है. तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई xn सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इन नॉर्म स्पेस x एंड x belong to x is limit of xn. Limit of xn का क्या मतलब है कि ये convergent sequence है और x को converge करती है. By definition अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो फिर क्या होगा. कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और एक्स को कन्वर्ज करती है तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को फुलफिल करेगी. फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो देयर एग्जिस्ट अ natural number n1 such that norm of xn minus x less than epsilon over 2 for all n greater equal to n1. हमारे पास ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो फिर इस डेफिनेशन में वो पूरा उतरेगी. तो ये इस कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है. सिमिलरली फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n2 such that xm norm of xm minus x less than epsilon over 2 for all m greater equal to n0. एक और पोजीशन हम ले लेते हैं जहाँ भी n1 छोटी पोजीशन है n2 उससे आगे वाली पोजीशन है. अगर उससे आगे वाली पोजीशन के लिहाज से भी हम लें तो तब भी ये क्या चीज़ है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है. ये हमने पोजीशंस चेंज किए और कुछ नहीं किया. अगर xm n2 के लिए सेटिस्फाई है कि n2 पोजीशन के बाद वाली जितनी टर्म हैं उनका अगर हम डिफरेंस लें x से तो वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है और xn का डिफरेंस लें n1 के बाद वाली टर्मों का x के साथ तो उसका जो डिफरेंस है वो भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है. अगर हम इस n1 और n2 का मैक्सिमम ले लें अगर हम
let n naught is equal to maximum of n1 n2. ये जो n1 भी पोजीशन है, n2 भी पोजीशन है, n1 पहली छोटी है और n2 बड़ी है. अब n1 के बाद जो इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, n1 के बाद वाली जितनी भी टर्में हैं अगर उनका डिफरेंस हम x से लें तो लेसर एप्सिलॉन ओवर टू है. तो n1 के बाद n2 भी है, तो n2 के बाद वाली भी जितनी टर्म हैं उनके लिए भी इक्वेशन वन सेटिस्फाई है, और उन n2 के बाद वाली टर्मों के लिए x2 भी इक्वेशन टू भी सेटिस्फाई है. तो जब हम इसका n1 और n2 दोनों पोजीशन का मैक्सिमम ले लेते हैं तो मैक्सिमम n2 है, तो हम उसको n नाट कह देते हैं. अब n नाट के बाद वाली जो टर्म हैं उन सब के लिए इक्वेशन वन भी फुलफिल है, सेटिस्फाई है, और इक्वेशन टू भी सेटिस्फाई है. जी, इक्वेशन वन भी सेटिस्फाई है, इक्वेशन टू भी सेटिस्फाई है. तो अब जब हमने मैक्स ले लिया तो इक्वेशन वन क्या इम्प्लाई करेगी? नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन ओवर टू फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट. और इक्वेशन टू क्या इम्प्लाई करेगी? नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन ओवर टू फॉर ऑल एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट. अब हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? हम प्रूव करना चाह रहे हैं काशी. हम काशी प्रूव करना चाह रहे हैं. वी वांट टू शो norm of xm minus xn less than epsilon for all mn greater equal to n naught. ये हमने प्रूव करना है. जी, हम लेट करते हैं. नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन. हम एक्स को माइनस भी कर देते हैं और प्लस भी कर देते हैं. जब हमने एक्स को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया तो इक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ा. ये इक्वल है तो इक्वल ही रहेगा. जितना हमने ऐड किया उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. अब हम इसको अरेंज करते हैं. एक्स एम माइनस एक्स माइनस एक्स एन प्लस एक्स. अब हम नॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? नॉर्म को ब्रेक करेंगे तो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा. नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स प्लस नॉर्म ऑफ माइनस एक्स एन प्लस एक्स. अब ये भी नॉर्म की प्रॉपर्टी है कि एक्स माइनस एक्स एन को हम एक्स एन माइनस एक्स लिख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? एक्स एन माइनस एक्स. अब यहाँ से क्या मिला हमें? एक्स एम जो है वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है और एक्स एन जो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है. तो ये चीज़ हम पीछे प्रूव कर चुके हैं. इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर में, इक्वेशन थ्री में और इक्वेशन फोर में तो हम अप्लाई करते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स जो लेस देन है एप्सिलॉन ओवर टू से, और एक्स एम माइनस एक्स लेस देन है एप्सिलॉन ओवर टू से. ये लेसर है एप्सिलॉन ओवर टू से.
प्लस ये भी लेसर है एप्सिलॉन ओवर टू से जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। अब ये क्या है, ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो दिस शोज दैट xn इज अ कॉची सीक्वेंस। हमने किस नाम स्पेस में से कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली और उसको प्रूव कर दिया कि वो काशी है।